हम भोजपुरी बिरहा गायक महेंद्र यादव भैरवपुर चरहुआ चेवता आजमगढ़ की सरजमी से आप बड़े भैया मन्नू यादव जितेंद्र भैया की देखरेख में बाबा साहब की जीवनी के ऊपर गीत के माध्यम से कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारी गीत को पसंद करेंगे। गीत के माध्यम से कहना है मास्टर भैया क्या, ता धन्य बाबा साहब जेकर पूज्य चरणवा जन्मवा निहल धन्य बाबा साहब जेकर पूज्य चरणवा जन्म वाली हल। अरे जन्म वाली हल राम जी राव के ललनवा जन्म वाली हल राम जी राव के ललनवा मित्रों मैं गीत के माध्यम से बता देना चाहता हूँ बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन बड़ा ही दुखमय था। इतना कष्ट भरा जीवन बिता करके बाबा साहब ने हमको क्या नहीं दिया। गीत के माध्यम से कहना है मंतु भैया क्या, 1891-14 अपरायल का दिनवा अपरायल का दिनवा देश का रतनवा देश का रतनवा हो अरे दुखा वे में बीतल बाबा साहब के बचपनवा जन्म वाली हले दुखा वे में बीतल बाबा साहब के बचपनवा जन्म वाली हल। अरे जन्म वाली हल रामजी राव के ललनवा जन्म वाली हल रामजी राव के ललनवा जैसा कि मित्रों बताया जाता है 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म भीमाबाई की गोद में हुआ। बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब धीरे धीरे जब बाबा साहब की अवस्था कुछ बढ़ी तो बाबा साहब एक दिन की बात है किए क्या मास्टर भैया कहना बा धीरे धीरे बाबा जब सयान थोड़ी भई सयान थोड़ी मित्रों गीत के माध्यम से कहना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आयु जब धीरे धीरे बढ़ने लगी माने चेतना अवस्था में हुए कुछ सोचने लायक हुए आज बाबा साहब के मन में एक जागृति पैदा हुई। कहना बा गीत के माध्यम से तब धीरे धीरे बाबा जब सयान होई गई सयान होई माता से सवाल ये कई न सवाल ये कई न सवाल हम पढ़ जाए सकून गर्मी अनवा जन्म वाली हल हम
हमहू पढ़े जइबई सकून दरमियनवा जनमवा निहला अरे जनमवा निहला रामजी राव के ललनवा जनमवा निहला रामजी राव के ललनवा मित्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दिन की बात है अपनी माताजी से यानी जिनके हाथ से उनका पालन पोषण हो रहा था माताजी से कह रहे ए माई माई हमहू पढ़े जाई। माताजी समझाने लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रे बेटा इस मनवाली व्यवस्था में तुम कैसे पढ़ोगे बेटा। आज माई और बाबू दोनों मिलके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समझावत हुआ का समझौलन भैया। अरे पिता रामजी राव बाबा साहब के बतावन साहब के बतावन बाबा परिवार के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बताने लगे कि बेटा तुम अभी नादान हो यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है इसको नहीं जानते हो मेरी बात को सुनो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बताने लगे उनके पिताजी क्या बतौलन भैया तब पिता रामजी राव बाबा साहब के बतावन साहब के बतावन व्यवस्था के हाल कुल सुनावल हाल कुल सुनावल हो तो हमने है अछूत कैसे पढ़वाए ललनवा जनमवा निहल हमने हाई अछूत कैसे पढ़वाए सुगनवा जनम वाली हल अरे जनम वाली हल रामजी राव के ललनवा जनम वाली हल रामजी राव के ललनवा मित्रों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को परिवार के लोग समझाने लगे कि ए बेटा यहाँ मनवादी व्यवस्था चलती है बेटा यहाँ पर हम लोग अछूत हैं अछूतों को जो है समाज में कोई अधिकार नहीं है स्कूल में कैसे पढ़ने जाओगे बेटा स्कूल के अंदर तुमको जो है मनवादी व्यवस्था के लोग बैठने नहीं देंगे कैसे पढ़ोगे बेटा। आज बाबा साहब अपने दिल में सोचे लगे कि वाह क्या समाज है इस समाज में हम अछूतों के लिए स्कूल में जगह नहीं है। बाबा साहब कैलन का भैया कहना बा क्या स्कूल के बहरे बाबा कैल पढ़ाई हो मित्रों बाबा साहब स्कूल जाते हैं स्कूल जब गए तो वहां के शिक्षक मनवादी व्यवस्था के ठेकेदार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कूल से बाहर कर दिए तुम अछूत हो तुम्हें स्कूल में बैठने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यहां पर सवर्ण लोग पढ़ते हैं बड़ी जातियों के लोग पढ़ते हैं तुमको स्कूल में कोई जगह नहीं है अगर पढ़ना ही है तो क्या करके स्कूल के बाहर बैठ जाओ। बाप रे बाप आज बाबा साहब के दिल में बड़ी ठेस लगल है बाबू कहना बा गीत के माध्यम से स्कूल के बहरे बाबा कैल पढ़ाई हो
शिक्षा ग्रहण करे में विदेश गई लयाई छुआ छूत जाति बन के करब पतनवा जन्म वाली है छुआ छूत जाति बन के करब पतनवा जन्म वाली है अरे जन्म वाली है रामजी राव के ललनवा जन्म वाली है रामजी राव के ललनवा मित्रों बाबा साहब अपनी जिंदगी में हताश नहीं हुए माने धैर्य धारण किए स्कूल के बाहर जाकर के शिक्षा लेना बाबा साहब शुरू किए अंततो गत्वाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने में इतनी रुचि रखते थे माने विद्यार्थियों में एक नंबर की विद्यार्थी होकर के बाबा साहब उभरे कहा जाता है होनहार बिरवान के होत चीकने पाप जिसके दिल में कुछ कर दिखाने की तमन्ना होती है वो निश्चित रूप से कर बैठता है। बाबा साहब पढ़ाई शुरू किए धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखते हुए बाबा साहब विदेश में पढ़ने के लिए गए जाकर के विदेश में शिक्षा ग्रहण किए विदेश से लौट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी डिग्री लेकर के आए जिसको पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा देश जानता है कहना है गीत के माध्यम से क्या भैया अरे दिल की उपाधि पाए लंदन दारा मानावा लंदन दारा मानावा मित्रों दिल की उपाधि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब लेकर के हमारे देश यानी भारत में आते हैं उस समय एक और प्रश्न खड़ा हुआ अंग्रेज जब हमारा देश छोड़ करके जाने लगे सवाल खड़ा किए भारतवासियों से कि ऐ बताओ अपना देश कैसे चलाओगे तुम्हारे पास कोई संविधान नहीं है कोई संविधान नहीं है तुम्हारे पास अपना देश चलाने के लिए तुम्हें संविधान बनाना होगा आज सब ठाठ है फिर ए भाई जे स्कूले के भीतर पढ़ले रहल बड़ा बुद्धिमान रहल सबकर माथा चकरा गेल कि ए भाई भारत देश के संविधान कैसे बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी बुद्धि की तीव्रता के बल पर एक काम किए कहना है गीत के माध्यम से डीलिट की उपाधि पाए लंदन दारा म्यानावा लंदन दारा म्यानावा हो देशवा के रच के दिहल सुंदर स्वप्नी नानावा सुंदर संविधानावा हो दलितन के भगवान जे के पूजे ला जहनवा जन्म वाली हले मित्रों मैं इस गीत की आखिरी कड़ी में आपको बता देना चाहता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्ष के बदौलत पूरे हिंदुस्तान को कुछ देने का काम किए साथ ही साथ अगर सबसे ज्यादा कुछ दिए तो दलित वर्ग को दिए क्योंकि छुआछूत जातिवाद अपने चरम सीमा पर था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रण किया कि मैं जातिवाद छुआछूत को इस देश से मिटा करके रहूंगा आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी
अपने संघर्ष के बदौलत जातिवाद छुआछूत जो अपनी चरम सीमा पर थी उसको जो है मिटाने के लिए संघर्ष किए। गीत की आखिरी कड़ी में भैया कहना है क्या, दलितन का भगवान जे के पूजे ला जहनवा जन्म वाली हला। दलितन का भगवान जे के पूजे ला जहनवा जन्म वाली हला। अरे जन्म वाली हला रामजी राव के ननवा जन्म वाली हला रामजी।